हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलम और आपका स्वागत है विदिका ब्लॉग्स में। बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। पहले तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने जो मेरी सीरम वाली वीडियो है उसको अप्रिशिएट किया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आपने किए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने परचेज किया है यूज। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो आपके साथ शेयर किया, आप लोगों को वो चीज अच्छी लगी। आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ अपने ब्लाउज कलेक्शन। और ये कलेक्शन ऐसा है जो कि हर किसी लेडी के पास होना ही चाहिए उनके वार्डरोब में, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हमें इमरजेंसी में जाना पड़ता है, पर कुछ ब्लाउज ऐसे होते हैं ना हमारे पास जो हर किसी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच इजीली हो जाते हैं, तो ऐसे ब्लाउज होने ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में कहीं जाना होता है और हम साड़ी तो परचेस कर लेते हैं, पर जब टेलर के पास जाते हैं तो टेलर ब्लाउज सिलने से साफ मना कर देते हैं। या तो उनके पास काम ज़्यादा होता है, या फेस्टिवल सीज़न होता है, या शादियों का सीज़न होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास ऐसे ब्लाउज होने ही चाहिए जो कि हमारी किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच इजीली हो जाएं। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास कौन से ब्लाउज हैं और मैं इनको कैसे किसी भी साड़ी के साथ इजीली मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये रेड सीक्वेंस में ब्लाउज, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। ये ब्लाउज ऐसे हैं, ये मेरे किसी भी साड़ी के फैब्रिक के साथ नहीं मिले हैं, ये सब मैंने फैब्रिक लेके स्पेशली मिक्स एंड मैच करने के लिए ही सिलवाए हैं। बता रही हूँ कि ऐसे ब्लाउज होने ही चाहिए। ये नहीं है कि आप डिटो ऐसे ही कुछ इनसे मिलता जुलता आप ले सकते हैं, और ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर कोई त्यौहार या कोई शादी हो। जब भी हम मार्केट जाएं या ऑनलाइन कभी आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई तो तुरंत उसी समय ही आप ले लीजिए। किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल या शादी का हमें वेट नहीं करना चाहिए। कभी जैसे मार्केट गए, कोई फैब्रिक पसंद आया तो तुरंत हमने ले लिया और उस समय टेलर से सिलवा लिया ताकि इमरजेंसी में हमें वो काम आ जाए। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज, टमाटरी जो रेड होता है ना उसमें है, और ये ऐसे सीक्वेंस में है। इसका फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ गया था तो इसमें आगे से प्लेन है लगवा दिया है, और ये भी अच्छा लगता है क्योंकि शायद सीक्वेंस होते तो वो हाथ में ऐसे ऊपर नीचे करते हुए थोड़े चुभते, पर ये अब सेफ है। इसके स्लीव 3/4 हैं और नेक पीछे से ये डोरी वाला है, और ये पैडेड ब्लाउज है। ये काफ़ी पहले मैंने सिलवाया था, यानी इसको हो गए हैं कम से कम 4-1 साल। बहुत अच्छा है, कोई इसमें सीक्वेंस कुछ ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है। और हर किसी के साथ इसको आप जैसे इस वाइट साड़ी के साथ मैच कर लीजिए, या इसको ब्लैक के साथ कर लीजिए, ब्लू के साथ कर लीजिए, येलो, ग्रीन, पर्पल, मतलब किसी भी साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ ईजीली मिक्स एंड मैच हो जाएगा और इसका कंट्रास्ट हर किसी के साथ बहुत बहुत ही अलग जाएगा। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज़। ब्लाउज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये मेरा ब्रोकेट ब्लाउज़, और ये ब्रोकेट जो ब्लाउज़ है ना वो सर्टन की साड़ी के साथ, शिफॉन की साड़ी के साथ, और ये सिल्क की साड़ी के साथ भी इजीली मिक्स एंड मैच हो जाता है। इसके जो स्लीव हैं वो हैं बिल्कुल लॉन्ग होते हैं ना, जो इस टाइप के ऐसे हैं ये वाले, और बैक से इसमें हुक है, बिल्कुल राउंड इसका नेक है। ये देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ब्लाउज़ अपने पास रखूँ ना कि कभी जैसे मैं कोई साड़ी लूँ तो मुझे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ना पड़े, तो फटाफट टेलर के पास ना भागना पड़े। मेरे पास ऐसे ब्लाउज़ रहें जिनको मैं इजीली मिक्स एंड मैच करके साड़ी के साथ पहन सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम साड़ी के साथ का ही ब्लाउज़ सिलवाएँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई ज़रूरी है कि हाँ हमें, बल्कि ये मिक्स एंड मैच करके पहनो ना तो ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है इस टाइप का। आप एक बारी करिए ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा सेकंड ब्लाउज़। थर्ड ब्लाउज़ है ना, ये मैंने स्पेशली विंटर को ध्यान में रख के सिलवाया है, और ये है मेरा वेलवेट का ब्लाउज़। वेलवेट का ब्लाउज़ भी आपके पास एक ज़रूर ही होना चाहिए, क्योंकि
एक तो ये प्लेन हम किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, ऊपर से ये ठंड में भी काफ़ी राहत देता है। ये वेलवेट के जो ब्लाउज़ होते हैं ना, और इसमें मैंने लगवाया है अस्तर, और ये रॉयल ब्लू कलर है, और ये रॉयल ब्लू कलर तो मतलब आप हर किसी के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन लो इसको। आप प्लेन साड़ी के साथ तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा, जिसमें हल्के से बॉर्डर हो उनके साथ पहन लो, शिफॉन और जॉर्जेट, और मतलब ऐसी काफ़ी आप ट्रिक लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको कैसे कैसे इसको वेयर करना है, कैसे कैसे तरीक़ों से इसको पहनना है। बस आपके पास होना चाहिए इस टाइप का। और ये पीछे से मैंने ये हुक वाला लगवाया है, हुक वाला डिज़ाइन पीछे, और यहाँ पे लगवाएं ये पोटली बटन, दिख रहे होंगे आपको ये इस टाइप के। ये बहुत ही सिंपल सोबर, और इसका गला है ना जो इतना आता है, इतना विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये भी आप ट्राई कीजिए कि कोई वेलवेट का ब्लाउज़ ब्लैक ब्लू येलो ग्रीन और किसी भी कलर में आप इसको रखें अपने पास, इस टाइप का ब्लाउज़। तो ये था मेरा थर्ड ब्लाउज, वो दिखा रही हूँ अपना फोर्थ ब्लाउज कलेक्शन, और वो है ये ब्लैक सीक्वेंस में। ये देखिए बहुत 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 ही अच्छा लगता है ये साड़ी के साथ। इसको मैंने पहना था अभी कुछ टाइम पहले फंक्शन में, जूट की साड़ी के साथ पहना था मैंने इसको, ब्राउन कलर की प्लेन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसको आप किसी भी साड़ी के साथ, मैं तो यही बोलूँगी कि किसी भी साड़ी के साथ ट्रिक लगा के आप इस टाइप का ब्लाउज़ पहन सकते हैं, ब्लैक ब्लैक रेड और गोल्डन, इस टाइप के ब्लाउज़ तो होने ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली साड़ियों में ये कलर तो होते ही होते हैं। और ये कलर ऐसे कलर है ना जो इजीली हम पहन सकते हैं, और ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं साड़ी के साथ, पता ही नहीं चलता कि ये साड़ी का ब्लाउज़ है या हमने अलग से पहना है। तो ये है मेरा फोर्थ ब्लाउज़, और इसमें मैंने लगवाए हैं ऊपर से नीचे पूरे बटन, यहाँ से लेके पूरा बटन वाला है ये। और इसका गला जो है वो बिल्कुल ज़ीरो गला है इसका, मतलब बिल्कुल इस टाइप का आ जाता है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हमें कोई भी ज्वेलरी गले में कुछ भी पीस पहनने की ज़रूरत नहीं है, इयररिंग्स पहन लीजिए आप कानों में, साड़ी पहन लीजिए कोई सिंपल सी, और देखिए फिर आपका लुक कितना ही अच्छा लगता है, कितना ही अलग आता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि ऐसे ही फैब्रिक आप कभी भी मार्केट जाएं तो आपको दिखें कुछ इस टाइप के, तो आप ले लें भी फंक्शन या किसी भी पार्टी फंक्शन शादी त्योहारों का वेट बिल्कुल भी ना करें। कभी भी आप मार्केट जाएं, ऑनलाइन कुछ आपको पसंद आ रहा है तो ले लें, रीज़नेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ये साड़ी से मैच कर रहा है, और आप इसको और साड़ियों के साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आपको वो चीज़ ले लेनी चाहिए, ग्रैब इट। ये था मेरा फोर्थ ब्लाउज। फिफ्थ और लास्ट ब्लाउज है, वो है मेरा ये प्रिंटेड ब्लाउज, ये देखिए इसमें आप फ्लोरल प्रिंट में भी सिलवा सकते हैं, और कुछ भी प्रिंट में आप सिलवा सकते हैं, ताकि आपकी ये प्लेन साड़ी के साथ, जॉर्जेट साड़ी के साथ, शिफॉन साड़ी के साथ, और किसी भी प्लेन साड़ी के साथ ये इजीली मिक्स एंड मैच हो जाए। इसका गला भी ज़ीरो ज़ीरो गला है इसका, और इसका भी मैंने डिज़ाइन पीछे से सिलवाया है हुक वाले, क्योंकि मुझे मोस्टली ये वाला डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके फ्री स्लीव है, फ्री को ये ब्लाउज़ जो है वो मैं पहनती हूँ, अपनी साड़ी के साथ भी पहन लेती हूँ, ऑरेंज साड़ी के साथ पहन लेती हूँ। तो ये था मेरा ब्लाउज़ कलेक्शन जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, और मैंने आपको एक हिंट भी दिया है कि इस टाइप के जो ब्लाउज़ हैं वो आपके वार्डरोब में होने ही चाहिए, ताकि इमरजेंसी में कभी हमें कहीं जाना पड़े तो हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना आए। हम साड़ी तो ले लें, बट ऐसा होता है ना कि साड़ी तो हम ले लेते हैं, पर उसके साथ फिर ब्लाउज़ सिलवाने के जो ड्रामे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं टेलर के। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही ब्लाउज़ अपने पास रखें जो इजीली साड़ी के साथ मिक्स हो जाए। तो चलिए यहीं पे मैं वीडियो करती हूँ स्टॉप। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।